अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं सी न्यूज। मैं हूं मोहम्मद जुबैर। सबसे पहले सी हेडलाइंस। पाकिस्तान ने आलमी बैंक की कारोबार में आसानी की दर्जाबंदी में अपनी तारीख में सबसे बड़ी बेहतरी हासिल कर ली है। समाजी राब्ते की वेबसाइट पर वजीर आजम इमरान खान का ट्वीट, कहा कि गुज़िश्ता एक अशरे से पाकिस्तान का दर्जा 50 से ज्यादा दर्जे गिर गया था। अब हम 28 दर्जे बेहतरी दिखाते हुए दर्जाबंदी में 136 से 108वें नंबर पर आ गए। अपनी टीम की सख्त मेहनत पर मुबारकबाद पेश करते हुए वजीर आजम ने कहा कि हमें अभी तवील सफर तय करना है। पाकिस्तान और भारत ने करतारपुर राहदारी को फाल बनाने के तारीखी मुआहदे पर दस्तखत कर दिए। मुआहदे पर दस्तखत करतारपुर जीरो लाइन पर किए गए। वजारत खारजा में जनूबी एशिया और सार्क के डायरेक्टर जनरल डॉक्टर मोहम्मद फैसल ने पाकिस्तान की तरफ से मुआहदे पर दस्तखत किए, जबकि भारत की तरफ से दाखिला उमूर के ज्वाइंट सेक्रेटरी SCL दास ने नुमाइंदगी की। फिजाइय के सरबराह एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान की जनूबी अफ्रीका के दौरे के दौरान अपने जनूबी अफ्रीकन हम मनसब से मुलाकात। पेशावराना उमूर पर तबादला ख्याल। एयर चीफ मार्शल मुजाहिद अनवर खान ने जनूबी अफ्रीका को तरबियत और दूसरे पेशावराना उमूर में ताफुन की पेशकश की। जनूबी अफ्रीका की फिजाइय के सरबराह ने पाक फिजाइय की पेशावराना महारत को सराहा। चेयरमैन नैब जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल का कहना है कि नैब का ताल्लुक सियासत से नहीं, सिर्फ रियासत और पाकिस्तान से है। वफाकी चैम्बर ऑफ कॉमर्स से खिताब, कहा कि करप्शन अब दीमक नहीं कैंसर बन चुकी है जिसकी सर्जरी जरूरी है। जस्टिस रिटायर्ड जावेद इकबाल ने ताजरों को हर मुमकिन तआवुन की यकीन दहानी भी कराई। सानिहा साहिवाल केस, इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने तमाम मुलजमान को अदम शवाहिद की बुनियाद पर बरी कर दिया। मकतूल के भाई ने कहा कि अदलिया के फैसले को दिल से तस्लीम करते हैं, मेरी गुजारिश है कि फैसले पर किसी किस्म की सियासत ना की जाए। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने तुर्की पर आए तमाम पाबंदियां उठाने का ऐलान कर दिया। व्हाइट हाउस में बाज़ाब्ता ऐलान करते हुए अमरीकी सदर ने कहा कि तुर्की पर आए तमाम पाबंदियां उठाई जा रही हैं। पाबंदियां उठाने का फैसला तुर्की और शाम में सीज फायर पर किया गया। अगर सीज फायर को बरकरार नहीं रखा गया तो अमरीका फिर से पाबंदियां लगा देगा।